नमस्ते दोस्तों, आज मैं बहुत सारे टमाटर लेके आई हूँ, लाल लाल एकदम रेड वाले टमाटर मुझे मार्केट में मिले। तो आज मैं एकदम झटपट से रसम बनाने जा रही हूँ। रसम का तो नाम आपने सुना ही होगा, साउथ की बहुत ही फेमस डिश होती है। तो रेसिपी ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर बनने वाली मैं रसम लेके आई हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने कुकर में टमाटर को रख लिया है, साथ में मैंने 1 चम्मच इमली लिया है, साथ में मैं इसमें पानी डालूंगी। रसम बहुत पतला होता है तो मैंने भर के 2 गिलास पानी लिया है, साथ में नमक हल्दी डाल के मैं कुकर में 4 से 5 सीटी लगाऊंगी। 4 से 5 सीटी इसलिए ताकि एकदम से टमाटर घुल जाए। तो जब तक कि सीटी लग रहा है, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये रहा, मैंने नमक हल्दी मिला दिया है, कुकर को बंद कर दिया और इसमें मैं सीटी लगा लेती हूँ। इसके साथ हमें क्या चाहिए वो देख लीजिए। हमें चाहिए हरा मिर्च, अदरक लहसुन छोटा छोटा टुकड़ा में, करी पत्ता और धनिया पत्ता। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करती हूँ, जब तक कि कुकर में सीटी ये देखिए, मैंने फ़ौरन के लिए थोड़ा सा सरसों लिया है काली और पीली मिक्स करके। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब तक कि सीटी लग रहा है, मैं क्या करती हूँ अदरक लहसुन और मिर्च को कूट के दरदरा सा पेस्ट बना लेती हूँ। पीसना नहीं है इसको, दरदरा सा कूट के पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी को कूटना स्टार्ट किया। थोड़ी ही दूर में मैं कूटूंगी तो क्या होगा, ये देखिए एकदम से पेस्ट इसका बन चुका है। इसी फॉर्म में हमको ये चाहिए। दूसरी तरफ चलिए टमाटर देख लेते हैं। टमाटर भी सीटी दे चुकी है, मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया, ये देखिए टमाटर बिल्कुल गल चुकी है। अब इसे मैं क्या करूँगी, पोटैटो मिक्सर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से मिक्स करके इसके जो मोटे वाले ऊपर के जो छिलके होते हैं उसको हमें साइड कर लेना है। अब इसे हमें एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। रसम साउथ की बहुत पॉपुलर डिश होती है, वहाँ पे तो रसम के बिना लोगों का खाना नहीं होता है। गर्मी के दिन में तो रसम हर घर में बनता है। तो ध्यान से रेसिपी देखिए, मैंने क्या किया है, पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो फ़ौरन के लिए मैंने जो काली और पीली सरसों ली थी, सबसे पहले मैं उसे उसमें वो डालूंगी। तो सरसों को अच्छे से डाल के मैं इसको चटकने तक इंतज़ार करूंगी। थोड़ी देर में जब सरसों चटकने लगेगा तब इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं करी पत्ता डालूंगी। करी पत्ता को इस तरीके से तोड़ के आप डाल दें। करी पत्ता डालने के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें जो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था उसको डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद से इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 30 सेकेंड तक हम इसको उलट पुलट करके पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जब 30 सेकेंड पूरा हो जाएगा तो आगे क्या करना है वो देखते जाइए। अब ये देखिए 30 सेकेंड पूरा हो चुका है। अब इसमें मैं उबला हुआ जो टमाटर रखा था उसको डाल दूंगी। अगर आप चाहे तो इसमें हल्का सा चीनी डाल सकते हैं। बहुत से लोग को रसम थोड़ा सा खट्टा मीठा पसंद रहता है तो उसमें थोड़ा सा चीनी यूज करते, मैं यूज़ नहीं करूंगी। ये रहा हमारा रसम, बिल्कुल से बन के तैयार हो चुका है। इसमें मैं ऊपर से कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देती हूँ। तो ये रहा हमारा बहुत ही पॉपुलर सा रसम बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए थोड़ी देर के लिए इसको ढक देती हूँ, इतना ही ढकना है ताकि इसमें उबाल आ। जैसे ही उबाल आ जाए इसका मतलब कि रसम बिल्कुल से बन के रेडी हो चुका है। ये रहा हमारा पॉपुलर रसम बन के रेडी हो चुका है। साउथ की ये बहुत ही फेमस डिश है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। इसको आप गर्मा गर्म चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, मैं तो इसको ऐसे ही खाती हूँ, सूप जैसा मैं इसको पीती हूँ। तो अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप क्या कीजिए वो तो आपको पता ही है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। रहा एकदम पतला सा एकदम अच्छा टेस्टी सा रसम, एकदम बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। तो आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।